आप लोग जानते हैं कि जो भी शर्मा ने कहा आपने सबसे सुना, सब ने उसी बात को मैं रिपीट नहीं करूंगा। सही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि पिछले 10 साल से हम यूनिटी ऑफ फेथ पे जो काम कर रहे हैं, जिसमें हम चर्च, गुरुद्वारे, मस्जिद, मंदिर सब इकट्ठे हैं, लेकिन शर्मा साहब की स्पीच से जिसने हमें डिवाइडेड रूल में डाल दिया है, इसके लिए जो इसने जिस शर्मनाक हरकत की जो बयान दिया है, इस पर हमने इससे पहले भी इससे हमने कहा था कि माफ़ी मांगे, ओनियर आके माफ़ी मांगे। हम लेबर पार्टी के अगेंस्ट नहीं है और ना ही हम उसके अगेंस्ट जाना चाहते हैं, लेकिन अगर ये नहीं करेगा तो नेक्स्ट इस फ्राइडे जो है मंचों में ऐलान करेंगे, उससे अगले फ्राइडे हम प्रोटेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। हम अगले फ्राइडे, इस फ्राइडे को हम ऐलान करेंगे, उससे अगले फ्राइडे हम सारे जुम्मे के बाद प्रोटेस्ट करेंगे लेबर पार्टी के लिए, और उसके बाद जो हम अपना राय मंत्र तैयार करेंगे। सजी अभी दोस्तों, मैं एक इस पे खत्म करने से पहले मैं दो तीन चीजें कहूंगा कि डिवाइड एंड रूल का आपको शर्मा जी का मैं बता दूं, मेरे ये लेटर क्या है, मेरे भाई फजल साहब जो बैठे हैं इनकी तरफ से ईमेल गया है शर्मा जी को कि जी आप मुझसे अकेला मिलें और मैं आपको बात करना चाहता हूं, और फजल साहब ने कहा जी कि मैं अकेला नहीं मिलूंगा, मैं कम्युनिटी के साथ मिलूंगा। ये इनके डिवाइड एंड रूल का, बजाय इसके कि उनके पास ये गट्स होने चाहिए कि जब वो गलत चीज कहते हैं उसको एडमिट करके माफी मांगे, उसकी बजाय ये ईमेल भेजते हैं डिफरेंट लोगों को कि ये मस्जिद को और दूसरी मस्जिद को कुछ और कहते हैं, और ये आपके सामने इनकी ईमेल कि ये कह रहे हैं जी कि आप मुझसे अलग मिले, आप कम्युनिटी के साथ ना मिले। तो शर्मा जी, ये एक मस्जिद की, एक गुरुद्वारे की और एक मंदिर की बात नहीं है, ये कम्युनिटी की बात है, और मैं सबको कहूंगा थ्रू आउट द यूके कि कोई भी आपका एमपी है, बाय टोरी है, लेबर है, लिबरल है, उसको कहे कि आप लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं तो आप मिस्टर शर्मा को फोर्स करें कि ही शुड अपोलोजाइज व्हाट ही सेड रॉन्ग, एंड दे शुड चैलेंज देम ऑन द डोरस्टेप। जब लोग आते हैं आपको डोर नॉक करने के लिए कि हैव यू आस्क्ड मिस्टर शर्मा टू अपोलोजाइज व्हाट ही हैज सेड इन द हाउस ऑफ कॉमन टू हर्ट द फीलिंग ऑफ द पीपल। और इसके साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूं।